जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। आप अपना कुंडली केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजें। आपको कुंडली देखकर जानकारी दी जाएगी। अगर ग्रह दशा अंकित होगा तो आपको निशुल्क जानकारी दी जाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन केपी की वाणी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और कैरियर, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के योग है कि नहीं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय, ये सभी जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। यह जानकारी आपको चंद कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने नजदीक के पंडित से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले, या चाहे तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। हम आपको कुंडली मिलान कर यह जानकारी देंगे कि विवाह उपरांत आपके वैवाहिक जीवन कैसे बीतेंगे। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो भी आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही कराएं। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों के बारे में पता चल जाएगा, उसके निवारण भी बताए जाएंगे। ऐसे जातक जिनको जरूरत हो वे ही संपर्क करें, था आप नंबर सेव करके रखें, और भविष्य में जब कभी आपको जरूरत हो तो केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर आप यह जानकारी पा सकते हैं कि कुंडली बनाने के प्रोसीजर क्या है और उसके लिए कितनी फीस ली जाती है। तो यह प्राथमिक जानकारी आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में दी गई है। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज की वीडियो में आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग नवंबर से बन रहे हैं और अप्रैल 13 तक है। इन दौरान इन राशि के जातकों के 100 से 1000% योग है कि शादी हो ही जाएगी, अगर कुंडली में कोई दोष नहीं है तो। आप इसके लिए कुंडली अवश्य दिखवा लें, और अगर उसमें कोई दोष है तो उसके निवारण भी कर लें, तो आपके विवाह के योग बन जाएंगे। आइए उससे पहले मैंने आपको कुछ सरल उपाय बता देता हूं, जिसे करने से विवाह में आए सभी अड़चने समाप्त हो जाती है। तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं। गुरु के मजबूत रहने से विवाह शीघ्र हो जाती है। इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चने स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का विशेष महत्व है। गुरुवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। पीले रंग की वस्तुएं जैसे पीले फल, पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि, इस तरह की वस्तुएं गुरु ग्रह को चढ़ा सकती हैं। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। अगर आप गुरुवार का व्रत रखती हैं तो आपका गुरु मजबूत होगा, और गुरु के मजबूत रहने से शादी शीघ्र हो जाती है। इस व्रत में खाने में पीले रंग के खाना ही खाएं, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले आदि खाने चाहिए। हालांकि गुरु कमजोर हो तो केले का सेवन बिल्कुल ही ना करें। इस दिन व्रत करने वाले को पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। हालांकि इस व्रत के कई कठोर नियम भी हैं, लेकिन आप एक बार अन्न और एक बार जल, यानी कि एक फल और एक बार जल ग्रहण कर सकते हैं दिन भर में। इसके अलावा ओ ग्राम ग्रीम ग्रौम सह, इस मंत्र का 5 माला प्रति गुरुवार को आपने जपना है। मंत्र एक बार और दोहरा देता हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह। तो गुरु ग्रह की पूजा के अतिरिक्त शिव पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन करना भी विवाह की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि जरूर ही चढ़ाएं। यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में सूर्य की वजह से विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। कुंडली में मंगल के कारण विवाह में विलंब होने पर चांदी का चकोर टुकड़ा सदैव अपने पास रखें तो विवाह शीघ्र होता है। तांबे का एक चकोर टुकड़ा जमीन में दबा दें, इससे सूर्य की बाधा समाप्त हो जाती है और विवाह के योग बनने लगते हैं।
हर शनिवार को शिवजी पर काले तिल चढ़ाएं। आप चाहे तो जल में काले तिल मिलाकर भी शिवजी को अर्घ दे सकते हैं। सोमवार शनिवार के दिन अर्घ देना फायदेमंद होता है, इससे शनि की बाधा समाप्त हो जाती है। शनिवार को बहते पानी में नारियल बहाएं, इससे राहु की बाधा समाप्त होती है। एक तरफ से सिकी हुई 8 मीठियां रोटी भूरे कुत्ते को खिलाने से भी राहु केतु के दोष जो है दूर हो जाते हैं। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द दरार, साबुत उड़द लोहा काला तिल और साबुत बांधकर दान करें, इससे भी शनि की बाधा समाप्त हो जाती है। काले घोड़े की नाल का छल्ला सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में पहनने से राहु केतु के जो दोष है वो दूर हो जाते हैं। शनि के रहने पर 30 वर्ष शादी के योग बनते हैं। शनि के रहने पर मध्य जान पहचान घर परिवार या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में देर होती है, वहीं केतु के चलते गुप्त शत्रु के चलते विवाह में देर होती है। तो इनको दूर करने के लिए, शनि दोष को दूर करने के लिए, केतु दोष को दूर करने के लिए, राहु दोष को दूर करने के लिए आपने शिवजी की पूजा करनी है। तो शिवजी की पूजा करने से शनि राहु केतु के दोष जो है वो समाप्त हो जाते हैं। यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो पूजे वाले 5 नारियल ले भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ओम श्रीम वर प्रदाय नमः मंत्र का 5 माला जप करें, फिर वो 5 नारियल शिवजी पर चढ़ा दे, विवाह की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाएं और वहीं मंदिर में बैठकर 1 माला रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें, तो इससे विवाह की सभी संभावनाएं बनने लगती है। इसके अलावा कुछ और उपाय हैं जिसे आप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 7 किले ले, 7 ग्राम गुड़ ले, 1 नारियल लेकर किसी नदी या सरोवर पर जाएं। अब कन्या को वस्त्र सहित नदी के जल में स्नान कराकर उसके ऊपर से जटा वाला नारियल उसार कर नदी में प्रवाहित कर दे। इसके बाद थोड़ा गुड़ व केला चंद्रदेव के नाम पर और इतनी सामग्री सूर्यदेव के नाम पर नदी के किनारे रख दे, उन्हें प्रणाम कर ले, थोड़े से गुरु को प्रसाद के रूप में कन्या को खिलाए और शेष सामग्री को गाय कुल खिला दे। इस टोटके से भी कन्या का विवाह शीघ्र हो जाता है। तो आपको मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं जिसे आपने करना है। अगर आप लड़की हैं तो गुरुवार का व्रत करें, लड़के हैं तो शुक्रवार का व्रत करें। तो ऐसे करने से, इन उपायों को करने से विवाह के योग बनने लगते हैं। तो आइए आज की वीडियो पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि गुरु कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और किस राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कब तक इस राशि में रहेंगे और इस राशि में रहने से, गुरु के राशि परिवर्तन से किन राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो बता दूं कि आपको 20 नवंबर को रात गुरु जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 143 दिनों 16 घंटे के लिए कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मार्गी होकर प्रवेश कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 दोपहर 3:49 तक गुरु कुंभ राशि में ही रहेंगे और गुरु की जो राचाल है वो मार्गी होगी। तो इस वजह से गुरु के मार्गी होने से कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग तो प्रबल बन रहे हैं, साथ ही कई अन्य राशि भी है जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। आइए अब जानते हैं उनके बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का बहुत बड़ा दर्जा है। इन्हें समस्त देवताओं का गुरु माना जाता है। गुरु ज्ञान के सलाह के दाता है। बड़े बुजुर्गों वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा गुरु की कृपा से ही संभव है। यदि आपकी कुंडली में भी गुरु शुभ है तो आपको विकट परिस्थितियों में भी सहयोग मिलता रहेगा। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और मकर राशि में इन्हें निकृष्ट माना जाता है। ये धनु व मीन राशि के स्वामी है। सूर्य चंद्रमा और मंगल के साथ इनकी मित्रता है तो शुक्र व बुध के साथ ये शत्रुवत संबंध रखते हैं। राहु केतु व शनि के साथ इनका तटस्थ का संबंध है। तो आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहली राशि सिंह राशि है। तो गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से सिंह राशि के जातकों को बेहद ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि गुरु जो राशि परिवर्तन कर रहा है तो गुरु राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि के जातकों के प्रथम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं सिंह राशि के जातकों के विवाह घर में विराजमान हो रहे हैं। विवाह घर यानी जीवन साथी का घर। जीवन साथी घर में गुरु के रहने से विवाह के 100 से 1000% योग बनने लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि गुरु लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं और अगर विवाह घर में गुरु उपस्थित हो जाए, गुरु की दृष्टि बन जाए तो विवाह निश्चित हो जाती है। वहीं अगर शनि की दृष्टि है तो आप इस समय में शिवजी की पूजा कर सकती हैं, तो आपके शनि राहु केतु के दोष भी दूर हो जाएंगे। तो यह समय बेहद ही शुभ रहने वाला है एक सिंह राशि के जातकों के। 13 अप्रैल तक विवाह के 100 से 1000% योग बन रहे हैं। जन्म राशि सिंह है। राशि नाम अक्षर एम से शुरू होता है। राशि स्वामी इनका सूर्य है। आराध्य देव आपके भगवान श्री हरि विष्णु जी है। भाग्यशाली रंग इनका सुनहरा है। भाग्यशाली अंक 5 होता है। राशि धातु तांबा एवं सोना है। राशि शुभरत्न माणिक्य है। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, राशि शुभरत्न धारण करना चाहते हैं तो माणिक्य धारण करें। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूल वार रविवार मंगलवार तक गुरुवार है।
राशि अनुकूलत माणिक्य मुंगा तथा पुखराज है, अनुकूल दिशा पूर्व है, राशि तत्व अग्नि है, राशि प्रकृति पित्त है। तो सिंह राशि के जातकों की शादी एम के एस नाम से हो सकती है। प्रस्ताव विवाह प्रस्ताव एम के एस नाम से आने की पूरी संभावना है। मिथुन राशि के साथ इनका संबंध बेहतर होता है। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो सिंह राशि के नाम के लड़कों की शादी सुधा, शिखा, कल्पना, किरण, मोनी, मोहिनी आदि नामों से होती है। वहीं सिंह राशि की लड़कियों की शादी संजीव, कार्तिक, महेश, महेंद्र, शेखर आदि नाम से होने की संभावना अधिक है। तो यानी कि एम के एस नाम के जातक से आपके प्रस्ताव विवाह के आ सकते हैं। ऐसे जातक जिनके आयु 26 वर्ष से 31 वर्ष के बीच है उनकी शादी 21 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल के बीच 100% योग बन रहे हैं। अगर आप शिव जी की पूजा करें, शुक्र को मजबूत करें, गुरु को मजबूत करें तो 100% आपकी शादी हो जाएगी। अगली राशि कुंभ राशि है। तो गुरु राशि परिवर्तन कर मार्गी होकर कुंभ राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के तो 100-1000% योग बन ही रहे हैं। इनका राशि नाम अक्षर गौ से शुरू होता है। राशि स्वामी इनके शनि है और आराध्य देव शिव जी है। भाग्यशाली रंग इनका आसमानी है, जबकि भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि धातु लोहा, चांदी, सोना है। राशि सुव्रत नीलम है। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार था, शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना था, नीलम है। अनुकूल दिशा पश्चिम है। राशि तत्व वायु है, जबकि राशि प्रकृति सम है। तो राशि सुव्रत नीलम है, आप नीलम धारण करें। 10 और 11 शुभ अंक है। तो 10 और 11 के दिन अगर आप विवाह प्रस्ताव स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। शिव जी की कृपा और शनिदेव की कृपा आप पर बरस रही है। गुरु जो है प्रथम भाव लग्न में उपस्थित हो रहे हैं, सप्तम भाव में दृष्टि बना रहे हैं, इससे कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। वैसे जन्मदिन के हिसाब से ऐसे जातक जिनकी शादी के योग बन रहे हैं उनकी आयु 22 वर्ष से अधिक है। अगर आपकी आयु 22 वर्ष से अधिक है, कुंभ राशि के जातक है, तो विवाह के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के साथ आपका बेहतरीन संबंध रहता है। तो मिथुन राशि के साथ अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा उत्तम है। हालांकि प्रस्ताव PRA नाम से आने की संभावना बन रही है। 13 अप्रैल तक विवाह प्रस्ताव PRA नाम से आने की संभावना है। किस नाम से शादी हो सकती है? तो कुंभ राशि के लड़कों की शादी अनिशा, अनिता, आनंदी, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया, रचना, ऋचा, प्राची, प्रेरणा आदि नाम से आ सकती है। जबकि कुंभ राशि की लड़कियों की शादी पवन, प्रकाश, प्रवीण, अमित, राहुल, रौनक, ऋषभ आदि नाम से होने की संभावना बन रही है। तो अंक ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के शादी के योग 22 वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 29 वर्ष, यानी कि 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य अगर आपकी आयु है तो आपके नवंबर 21 से लेकर 13 अप्रैल के मध्य विवाह होने की पूरी संभावना है। जबकि महीना मई, अक्टूबर अथवा नवंबर हो सकता है। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दे। शादी पश्चिम दिशा में होने की संभावना बन रही है। के नाम से आपका शादी हो तो ज्यादा उत्तम है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। इसे सूचना हेतु ले, इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क करें, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी गई है, व्यक्ति विशेष पर यह लागू नहीं होता है। व्यक्ति विशेष के लिए अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं और दोष को दूर करने के उपाय अवश्य ही करें। तो इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हैं तो कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार। जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।